कहा शाहे लापता तुम पे हजार जान से हजार जान से हो जाऊं मैं फिदा हर चंद खस्ता तनो ना तमाशुदं हर चंद पी खस्ता तनो ना तमाशुदं हर गहन जे बरुए तो कर दऊं जमा आशुदं सलावत पढ़िए बर मोहम्मद बार जी का सलावत बर मोहम्मद आल मोहम्मद सलाम दिले गुदास जो तुझको अता करे फितरत दिले गुदास जो तुझको अता करे दिले गुदा जो तुझको अता करे हुब्बे अली की नस
خوشبو نما ہو خدا کرے تیرا دل جو تجھ کو عطا سلوات پڑھیے بن محمد عالم فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے واجب نماز واجب نماز میں ہے تلاوت درود کی اور دشمن ہے اہل بیت کا حیران کیا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے سلوات پڑھیے بن محمد آل محمد فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے سجدہ کیا نہ خاک شفا پر ہر سال اگر حرم میں مصلی بچھا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے بھیجا کیا دیا مگر بیجا کیا علی کو خدا کہہ دیا مگر مر مر کے جی رہا ہو نسہری تو کیا کرے مر مر کے جی رہا ہو نسہری تو کیا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے مسلم رہے گا کتنی نمازیں قضا صحیح اور کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کافی ملا رہا ہوں میں ہے دری فقیر ہوں اے عرض کربلا فقیر ہوں اے عرض کربلا اور جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے جلوہ دکھا حسین کا مولا بھلا کرے فترا دل گدار جو تجھ کو عطا کرے عباس کے شعار
वफा की पनाह लो, शायद खुदा नसीब शऊरे वफा करे। पितरा दिले गुदार जो तुझको अता करे, फितरा दिले गुदार जो तुझको अता करे। वो शेख काबा साकिने यसरिब सही मगर, वो शेख काबा साकिने यसरिब सही मगर, मुजरिम है जो नाजरे रिसालत अदा करे। फितरा दिले गुदार जो तुझको अता करे। आए नजम उम्मत है आले नबी मैं गुजार दूं, आए नजम उम्मत है आले नबी मैं गुजार दूं, अल्लाह उम्र खिजर जो मुझको अता करे। फितरा दिले गुदार। نسیم مروی علی اللہ مقام و کے مرثیہ سے اقتباس جناب حضور کی شان میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے بر محمد اللہ محمد غریب نے کی ہر سے در گزر جو امام غریب نے، بخشی خطا خدا نے خدا کے حبیب نے، بڑھ کر گلے میں ڈال دی باہیں حبیب نے، بچھڑے ہوں کو خوب ملایا نصیب نے، بچھڑے ہوں کو خوب ملایا نصیب نے، فرزند نوجوان سے جو اکبر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، عباس اس کے بھائی سے بڑھ کر لپٹ گئے، سبط نبی نے ہاتھ بڑھائے سوئے قدموں پاک ملنے لگا وہ فلاک مقام، یہ حال تھا ادھر کے اٹھا پردہ خیام، فضا ہوئی حرم سے برآمد پائے طرف، سنے جانا، فضا ہوئی حرم سے برآمد پائے
मुसला के इमाम अनाम से हुर की तलब है खैमाए अशह तशाम, हुर की तलब है खैमाए अशह तशाम से हुर की तलब है खैमाए अशह तशाम से हुर की तलब है खैमाए अशह तशाम से मौला से इज़्ज़त ले के जो आया करीब दर ज़ैनब हिजाब में थी उधर लौंडिया इधर खम हो गया सलाम को देवड़ी को चूम कर फिज़ा ने अर्ज की के वफादार नाम वफादार नाम ये बरकते हैं नुसरत आले रसूल की तुझको दुआएं देती है बेटी बतूल के तुझको दुआएं देती है बेटी बतूल के तुझको दुआएं देती है फरमाती है कि ये तेरा एहसान नहीं है कम खाई है तूने नुसरत शब्बीर की कसम गुरबत में गमजदों का हुआ तू शरीक गम और मजबूरियों से अपनी परेशान है हरम मजबूरियों से अपनी परेशान है हरम दश्ते बला में वो सरो सामान नहीं रहे हम काबिले ज़ियाफ़त मेहमान नहीं रहे हम काबिले ज़ियाफ़त मेहमान नहीं रहे रोने लगा ये सुन के वो शैदाए पंजे तर बोला बाश को आके मखदूम है ज़मान अपनों से और जिक्रे ज़ियाफ़त दमे महल मुझ तुम्हारी राह से
बख्ते पुलिस्तान तेरा करबला भी तो है जीता हुआ मैदान तेरा जिस जगह खून से लिखती है कहानी तेरी क्यों न हज पर हुआ उसका जबानी तेरी क्यों है खामोश यहाँ मरकज़ानी तेरी गोश पंदान ज़बीहा हो निशानी तेरी और तमसीले मदारे शोहदा बिगड़त हो अदालत में जरा एक तरफ सब्र हुसैन एक तरफ अज़्म-ए क़लील शर्त इंसाफ है ऐ खालिक़े सारे ज़मीर एक तरफ आनो मोहम्मद है उधर ज़बे फ़रज़ंद पे राज़ी बैरागा तो नहीं हाजरा सब्र नज़र से ज़्यादा तो नहीं ज़बे फ़रज़ंद पे राज़ी बैरागा तो नहीं हाजरा सब्र नज़र से ज़्यादा तो नहीं एक तारे हिम्मत की बेनकाबी में भी पुरखा हुई भैरत उनकी न सही चादरे तकदीर में शिरकत उनकी मानिए आए तकदीर की सीरत उनकी आंखें उस बुर्ज यमानी से मले भी होती उतनी स्रोत तो चादर के तले भी होती मुख्तसर ये के जो सर देने की बारी आई सागर पैमय दुल्ला की प्यारी आई जिरहे बच्चों ने जो पहनी तो सवारी आई दो बछेड़े जो चले बाग बारी आई गर्द पीछे की तगादों में हवा पीछे की इंतहा है के बुजुर्गों की दुआ पीछे बैठ कर लाश पे आंसू न बहाया उसने सब्र मखदूम कौन दिखाया उसने सहने आन के सज्जादा बिछाया उसने सजदे शुक्र में सर न झुकाया उसने मानता दिल को मसल में जो लगी बात ये की थर थराते हुए होठों से मुनाजात ये की ऐ मेरे पालने वाले मेरा फिदिया हो कबूल मेरी कुर्बानी है कर मेरे मौला आले अहमद का ये नाचीज हदिया हो कबूल तपिशे दावे
میرے دختر زہرا قبول کیا ہے آدم میری کو جو ویران کر دی تیری بخشش کی تیری راہ میں قربان کر دی تجھ سے شرمندہ ہوں اے رحمت رب غفار اب تیری راہ میں دینے کو نہیں کچھ زنہار تو تو واقف ہے کہ لمبی ہے تیری غیرت دار پھر ہے مقتل میں مبارک طلبی کی للکار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فتفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات سلسلہ تقریر سے آپ باخبر ہیں اور تزکیہ نفس کے موضوع پر ہم نے بعض اہم مسائل کو آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اسی سلسلے میں ایک حصہ اس موضوع کا نہایت اہم ہے اور اس کو حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کیجئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس حصہ فکر کو کبھی کسی موقع پر پیش کیا ہے، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ اس کو نہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے بلکہ آپ سے اپیل کرنا ہے کہ آپ اپنے ذوق و ادب مذہب کے اعتبار سے اس مسئلے پر خود غور کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آدم کو خلق کیا تھا تو یہ ارشاد ہوا تھا
کہ اے ملائکہ میں بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں, انی خالق بشرا من طین, فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اعتدال پیدا کر لوں, جب اس کا تسویہ ہو جائے, جب اس کے اخلاق طبائع اس کی ترکیب اپنے مرکز اعتدال پر آ جائے, اور اس میں جب میں اپنی بعض روح پھونک دوں, وہ نفخت فیہ من روحی, فقوله ساجدین, تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا. سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے, کیا نفس آدم وہی روح ہے؟ ایک علمی مسئلہ ہے کہ جو روح پھونکی گئی وہی نفس آدم ہے. اگر وہی ہے نفس آدم وہ روح, تو ترک اولا کیسا, جنت سے نکلنا کیسا؟ اور اگر آدم کی اولاد میں وہی روح الہی نفس بن رہی ہے تو روح رب کو موت کیسی؟ اور پھر اگر یہی نفس انسان قیامت میں مسئول اور جواب دہ ہے تو امر الہی سے جواب کیا لیا جائے؟ مسئلہ جو بن رہا ہے وہ یہ کہ وہ روح جو پھونکی گئی اس سے ایک غلط فہمی ہو رہی ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے چونکہ ہم اصطلاح میں یہ کہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ مرنے والے کے بعد اس کی روح تڑپتی ہوگی, اس کی روح بے چین ہوگی, تو لفظ روح کو مجاز میں استعمال کرتے کرتے ہم نے اصطلاح نفس کو بھلا دیا ہے, اور بڑی آسانی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ارواح کے لیے یہ ثواب ہے, وہ ان کی روح دیکھتی ہوگی یا ان کی روح موجود ہوگی. یہ لفظ کا صرف اردو زبان میں ایک مسئلے کو حل طلب بناتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کل نفس بما کسبت رہینت, ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے, جب یہ کہا جائے کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا پڑے گا, جب یہ کہا جائے بل انسان علی نفس ہی بصیرت ولو القا معاذیرہ, انسان اپنے نفس پر بصیر ہے اگرچہ وہ ریڈی اپولوجی کے ساتھ آئے, اگرچہ وہ اعتذار کے ساتھ آئے, معذرت کو پیش کرے, وہ اپنے نفس کو جان رہا ہے. جب یہ کہا جائے یقادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ سے مکر کرنا چاہتے ہیں, صاحبان ایمان سے مکر کرنا چاہتے ہیں, وما یخدعون الا انفسهم, یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے نفسوں کو, تو قرآن مجید میں 293 مرتبہ نفس کا ذکر آیا, 293 پورے قرآن میں 293 مرتبہ نفس کا ذکر آیا, کہیں روح کا ذکر نہیں ہے کہ روح کے لیے موت ہے یا روح کو قیامت میں آنا ہے یا روح پھر اٹھائی جائے گی, کسی مقام پر یہ نہیں ہے کہ روح سے پوچھا جائے گا. روح امر الہی ہے جو اصطلاح ہے نفق روح میں اس امر کو پیش کیا گیا کہ ہم روح پھونکیں گے, یعنی ہمارا امر آئے گا کہ آئے آدم جی اٹھ,
اے آدم آمادہ ہو جا, اے پیکر آدم تیار ہو جا, اے جسم آدم تصفیہ پذیر ہو جا. تو یہ امر الہی ہے جس کو روح کہتے ہیں. اسی لیے ملائکہ نے جب پوچھا کہ کیا, جب اہل اسلام نے پوچھا یا رسول اللہ روح کیا ہے, یسألونک عن الروح آوازائی قل الروح من امر ربی, روح امر رب ہے, نفس انسانی امر رب نہیں ہے, روح امر رب ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ وہی روح ہے میرے جسم میں جو ہمارے جد آدم کے جسم میں پھونکی گئی تھی, اس لیے میں تو مجبور ہوں, اور بندہ مجبور سے کیوں سوال کیا جائے, تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ نفس ہے, یہ نفس وہ ہے کہ جہاں انسان کا مادہ, جہاں انسان کی طینت, جہاں انسان کے اجزائے مادی ایک آئینے کی صورت بن جاتے ہیں, اور ادھر سے جب حکم آتا ہے کہ بن جا, ہو جا, جی اٹھ, صورت اختیار کر, حیات لے لے, تو وہاں سے امر آیا, یہاں زندگی آئی, اس امر کا عکس اس آئینے پر پڑا, اور جیسے ہی عکس پڑا تو جتنا کمزور عکس پڑا اتنا کمزور نفس بنا, جتنا قوی عکس پڑا اتنا قوی نفس پڑا بنا, یہاں تک کہ وہ انفس جو سارے عالم میں پائے گئے وہ اسی طرح کبھی قوی ہوتے رہے, کبھی ضعیف ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس میں مومنین کے نفوس بنے, اس میں مسلمین کے نفوس بنے, اس میں منافقین کے نفوس بنے, اس میں کافرین کے نفوس بنے, وہیں انبیاء آئے, وہیں اولیاء آئے, وہیں انبیاء اولوالعزم کا نفس بنا, اور اسی منزل پر ختم المرسلین احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ. تو یہ نفوس کیفیت انعکاس امر الہی ہے. الفاظ کو یاد رکھیں گے, ایک امر الہی کو منعکس کرنے کی ایک کیفیت ہے کہ طینت و استعداد بشر نے آئینہ بن کے اس حکم کو منعکس کیا. اب یہ جہاں تک علائق دنیا میں مبتلا ہے وہاں تک عکس کمزور ہے. کل عرض کر رہا تھا کہ جب عقل کو دنیا کی طرف بھیجا تو عقل دنیا کی طرف آئی, اور جب واپس طلب کیا وہ واپس آ گئی, اور ارشاد کیا ذات واجب نے کہ اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے جو دنیا کے علائق میں مبتلا نہ ہو, پھنس نہ جائے, حیران نہ ہو. تو عقل کا کمال یہ ہے کہ اس میں آلودگی نہ ہو, اور اپنے آئینہ نفس کو قوی سے قوی تر بناتی جائے تاکہ انعکاس امر الہی اس میں زیادہ ہو. کہیں روح کا تذکرہ نہیں ہے, روح کے لیے موت نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, روح کے لیے قیامت میں پرسش نہیں ہے, روح کے لیے بار دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے, وہ فقط امر الہی ہے کہ ہو جا, جی جا, بن جا, صورت اختیار کر, ایک انسان کا پیکر لے لے. تو روح اور نفس کو ہمیشہ علیحدہ رکھنے کی کوشش کیجئے. کم از کم قرآن پڑھنے والے یہ دھوکہ نہ کھائیں, اس لیے کہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ روح کا تذکرہ ہے آدم کے متعلق, دوسری مرتبہ روح کا تذکرہ ہے عیسیٰ کے متعلق, تیسری مرتبہ روح کا تذکرہ ہے اس سوال کے متعلق کہ یسألونک عن الروح, چوتھی مرتبہ روح کا تذکرہ ہے کہ شب قدر ملائکہ روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے جسم میں کون سی روح ہے, وہ آدم والی ہے, عیسیٰ والی روح ہے, یا جس جو سوال کیا گیا وہ روح ہے, یا پھر یہ کہ جو شب قدر میں نازل ہوتی ہے وہ روح ہے. تو آپ خود یہ کہیں گے کہ روح امر الہی ہے, اس کو یہ ان اجزائے ترکیبی کی اس حیات شخصی سے
कोई रब्त नहीं है बजुज इसके कि वो अम्र है और हमारे नफ्स ने उस अम्र को कबूल किया। अब नफ्स को समझने की कोशिश कीजिए, यानी नफ्स वो है जिसको आप मैं कहते हैं। आई मैं, मैंने ये कहा। अगर आपने अपनी आंख को मैं कहा तो वही नफ्स है, अगर आपने अपने कान को मैं कहा तो वही नफ्स है, अगर आपने अपने दिल को कहा मैं तो वही नफ्स है, अगर आपने अपने पूरे आजा की तरकीब को मिलाकर अपने अफकारों अफआल को एक जगह जमा करके अपने पूरे पैकर का नुमाइंदा बन के अपने आप को मैं कहा है तो वो नफ्स है। तो इस आलम में इस नफ्स को रूह करार देकर अपने आप को कारखाने हयात में मजबूर बना के पेश करना और ये कहना कि ये तो उसका अमर था हम मजबूर थे, ये कभी अकल के नजदीक जायज नहीं है। अगर अकल अब भी साथ है तो अकल आवाज देगी कि नहीं, हमको ये इख्तियार दिया गया है कि हम आए इस मकाम पर रहे, दुनिया में रहे, और जब आवाज दी जाए तो इसी बेताल्लुकी के साथ जाए कि जिस बेताल्लुकी के साथ हमको खल्क किया गया था। गुफ्तगु जब इस मंजिल पर पहुंच गई तो अब आपने अंदाजा कर लिया होगा कि नुफूस में इतना इफ्तराक है, इतना इख्तलाफ है, इतने मदारिज हैं, इतने उसके दर्जों में तफावत है कि अक्ल इंसानी हैरान होती है। हर नफ्स का एक दर्जा है, हर नफ्स का एक मकाम है, सारे नुफूस मिले जुले नहीं हैं, एक सा नहीं है। हर नफ्स की एक मंजिल अलग है, हर नफ्स की एक मंजिल अलग है। इरशाद हुआ कयामत के दिन वो हर नफ्स आएगा, जात कुल्लो नफ्सिन माहा सायकुन व शहीद। कयामत में हर नफ्स जब आएगा तो उसके साथ एक हांकने वाला भी होगा, एक गवाही देने वाला भी होगा। वो जो बराबर उसको मुश्तइल किए जा रहा था, वो जो बराबर उसको धोखे पर धोखा दिए जा रहा था, वो भी साथ होगा और गवाही देने वाला भी साथ होगा कि माबूद हाँ इसका अमल ये था। तो ऐसी सूरत में हर इंसान ये समझ ले कि तरक्की का राज और तरक्की के जीने ये सब के सब वाबस्ता हैं इसी नफ्स इंसानी के साथ। इंसान की उम्रें ज्यादा तवील नहीं होती, हजार दो हजार बरस की उम्र नहीं दी जाती, मगर नफ्स में ये सलाहियत दी गई है कि इतनी तरक्की कर ले कि हजारों बरस की उम्र रखने वालों से भी उसका नफ्स कहीं तरक्की कर सकता है। ये है मकाम वुसअत इर्तिकाए नफ्स इंसानी। और इन तमाम मदारिज पर नजर रहे, इन तमाम मदारिज पर नजर रहे तो जब तस्किया नफ्स दर्जा कमाल पर होता है तो नफ्स उस इनकास को कवी करता जाता है जो अम्र इलाही का अक्स उस पर पड़ता है, उस इनकास को कवी करता जाता है। और अगर तस्किया नहीं होता तो ये नफ्स इंसानी अपने तवज्जुहात को अम्र इलाही से हटा लेता है और ये आईना दुनिया की मुख्तलिफ चीजों की तरफ माइल हो जाता है। कहीं जर है, कहीं जमीन है, कहीं जमीन की जरखेजियां हैं, कहीं कमाई हुई दौलतें हैं, ये तवज्जुहात का मरकज है नफ्स इंसानी के लिए। और जब ये हो जाता है तो नफ्स तबाह होता है और इस तबाही के साथ साथ उसके लिए न हयात बाकी रहती है, न जिंदगी बाकी रहती है और न उसके लिए कोई तसव्वुर इर्तिका बाकी रहता है। सारी तरक्कियां रुक जाती हैं, महदूद दायरे में बसर करता है और महदूद दायरे में फना हो जाता है। अगर गुफ्तगू यहां तक समझ में आ गई तो कल मैंने एक मसले को छेड़ दिया था, फिर उसकी तशरीह इसी सिलसिले में लाजिम है कि खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी,
पहले खुदा ने मेरे नूर को खल्क किया, जिस्म को नहीं। जिस्म को नहीं यानी नूर हुआ, नूर खल्क हुआ, और वही नूर अक्ले अव्वल था, वही नूर अक्ले अव्वल था। वो नूर और वो अक्ले अव्वल के जिसकी तवज्जुहात का मरकज ज़ाते वाजिब, वो जो मुसलसल आलम हयात में और आलम नूर में यही कहता रहे कि वज्जह तो वज्हिया, मैंने अपने चेहरे को हमेशा मुतवज्जह रखा है खालिक अर्ज समा की तरफ। और फिर ये कि इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी बंदगी, मेरे सजदे, मेरी नजरें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब अल्लाह ही के लिए है। तो इस तवज्जोह तमाम के बाद अब अम्र इलाही ने जब नफ्स मुहम्मद में अक्स पैदा किया और जब वहां से मुनअकिस हुआ है यह नूर, तो उस वक्त इसी नूर मोहम्मद को अक्ले अव्वल कहा गया, नूर अव्वल कहा गया, सुबह अव्वल कहा गया। इसी खत्मी मर्तबत के नाम ये थे, इजाफ़े रहमानी, इफाज़े कयूमी, सुबह अव्वल, समाए हयात, माए हयात, नुक्ते अव्वल, अम्र कौन, रहमत वासिया, फैज कयूमी, फैज अकदस, फैज मुकद्दस, और फिर आगे बढ़कर इसी हस्ती को कुरान मजीद ने जब मुखातिब किया, मुजम्मिल, मुद्दसिर, ताहा, यासीन, अहमद, मोहम्मद, आपने देखा कि फकत उस कमाल तस्किया नफ्स पर यह आलम हुआ कि अब सारी हकीकतों का यह एक मरकज बना। बड़ी तवज्जो से सुनिए, अब यह कदमी मर्तबत की मंजिल उस बुलंदी पर है कि जहां उनका कल्ब मुनअकिस कर रहा है नूरे वाजिब को, जहां उनका नफ्स मुनअकिस कर रहा है अम्र इलाही को, कि जहां उनके लिए सारे सिफात जो बतलाए गए वो सब के सब सिफात के वो मजहर बने हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप फैसला करें क्या उनका नफ्स और आपका नफ्स एक है? क्या नफ्स रसूल और आपका नफ्स एक है? और अगर आप अंदाजा कर लें कि नहीं है, तो फिर आप फर्क बतलाएं कि अनफुसना से अनफुसकुम तक कितना फर्क है। अनफुसना से अनफुसकुम तक कितना फर्क है? देखने को वही इंसानी चेहरे, किसी में बचपन, किसी में जवानी, किसी में ज़ईफ़ी, लेकिन कितना फर्क है एक नफ्स से दूसरे नफ्स तक। एक वो नफ्स है जो कमाल तज़किया बशरी को बतला रहा है और उस कमाल पर है तज़किया कि खुद अपने अपने नफ्स का तज़किया करने के बाद वो सारी कायनात के तज़किये के लिए तैयार है, सारी कायनात की तहारत के लिए तैयार है, सबको मुतहर करने के लिए आमादा है। युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीकुम, या युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो उनका तज़किया करता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये उसी का हक है, किसी और को जेब नहीं देता कि वो इंसानों को आवाज दे के आओ हम तुम्हारे नफूस का तज़किया करेंगे। ये बातें अगरचे कुछ उजलत में अदा हुई, लेकिन याद रखने की बात यही है कि नफ्स से खत्मुल मुरसलीन
आम नफ्सों की तरह नहीं है। गुफ्तगू समझ में अगर आ रही है तो फिर अपशुबहात से बुलंद होना चाहिए, यानि आपके नफ्स पर जो आपको इश्तबा है, आपके नफ्स पर जो आपको धोखा है, आपके नफ्स में जो शकूक पैदा हो रहे हैं अपनी जात के लिए कि कभी अपने को मजबूर समझें, कभी मुख्तार समझें, कभी बंदगी में थक जाएं, कभी बंदगी से आजाद होने की कोशिश करें, कभी दुनिया में मुब्तला हो जाएं, कभी जोहद इख्तियार करने की फिक्र करें, कभी मुसीबतों से घबरा कर मायूस हो जाएं, कभी राहतों में इंसान अपने आप को डालकर खुदा को फरामोश कर जाए, वो तमाम मनाजिल आपके नफ्स के लिए है। नफ्स कत्मुल मुरसलीन इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि आप अपने नफ्स का कोई गुमान उस नफ्स पर नहीं कर सकते, आप अपने नफ्स का धोखा उस नफ्स पर नहीं खा सकते, और किसी मंजिल पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जिस तरह से कि हम हैं वो भी होंगे या वो भी थे। यहीं से इस्लाम में हैरानी शुरू होती है, यहीं से इस्लाम में परेशानी शुरू होती है। और जब इंसान अपने दर्जे के बराबर उनके दर्जे को देखता है तो फिर उनके हुक्म की तामील के लिए आमादा नहीं होता, बल्कि ये सोचना चाहता है कि उन्होंने अपने वक्त में इज्तिहाद किया था, हम अपने दौर में इज्तिहाद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो फजीलत दी वो ये दी मुसलमानों ने कि पैगंबर मुज्तहिद थे, पैगंबर मुज्तहिद थे। ये अपने नफ्स पर कियास करने का नतीजा है, ये अपने नफ्स पर कियास करने का नतीजा है कि नबी मुज्तहिद था, वो नबी के जहां इम्कान खता न हो उसके लिए लफ्ज इश्तिहाद का इस्तेमाल करना बड़ी गलती, बड़ी गलती है। अजीजो यही वो मंजिल है कि जहां एक मर्तबा इस अम्र को वाज़ह हो जाना चाहिए कि मकामे खातम को न समझने से जो गलतियां मुसलसल हर दौर में पैदा होती रहीं वो सदर अव्वल हो के आज उसको दूर करने का वाहिद नतीजा ये है कि अपने नफ्स पर खत्मी मर्तबत का कियास न किया जाए, और ये समझा जाए कि उनकी ज़ाते गरामी सुतूदा है, यानी वो ज़ात है कि जिसकी खुद खुदा तारीफ करता है, यानी जिसकी बहुत तारीफ की गई, जिसका नाम मजाज नहीं हकीकत है, जिसका नाम नामी मीम है मीम दाल मजाज नहीं हकीकत है, कि जिसकी बहुत तारीफ की गई, और हम उसी का तस्करा बार बार इसीलिए करते हैं कि इस्लाम में वही एक मरकज है। मैं शायद आपकी तवज्जो को यहां से हटने न दूं और इसी एक लफ्ज से अपनी फिक्र को मुसलसल कर सकूं कि ऐसे मरकज की मोहब्बत, ऐसे मरकज की मवद्दत, ऐसे मरकज से ताल्लुक, ऐसे मरकज से हम वक्ती रब्त इंसान में एक कैफियत तहारत पैदा करता है, और यहीं से इंसान के नफ्स का तस्किया होता है। तो याद रखिए कि तज़किये के लिए मवद्दत भी लाजिम है, मोहब्बत भी लाजिम है, इताअत भी लाजिम है, मारिफत भी लाजिम है, लेकिन सब की बुनियाद यही मोहब्बत, यही मोहब्बत। मोहब्बत जहां नहीं है वहां तज़किया नहीं है, मोहब्बत जहां नहीं है वहां तहारत नहीं है। इसलिए कि अगर ताहिर से मोहब्बत ना हो तो इम्कान तहारत क्या है, इम्कान तहारत क्या है। ये गुफ्तगू जब छिड़ गई तो एक मर्तबा
मैं उन चेहरों पर नजर डालता हूं जो शौक इबादत में, जो शौक इबादत में महो नजर आते हैं, जिनके पेशानियों पर सजदों के निशान हैं, जो अपनी जिंदगी को मजहबी बनाना चाहते हैं मगर चेहरे पर एक बार गुस्सा त्योरी पबल बिगड़े हुए, ऐसा मालूम होता है कि दीन परस्ती नहीं है, अल्लाह पे एक एहसान है, इस गुस्से में मजहबी बन रहे हैं। आपने ऐसी भी सूरतें देखी होंगी, उसको तकश्शुफ कहते हैं, ते काफ शीन फे, यानी वो मजहब नहीं है बल्कि मजहब पर गुस्सा है, मजहब पर गुस्सा है कि हम कानून के पाबंद, हम कानून के पाबंद। तो यहां बजाहिर दीन तो है मगर अभी नफ्स तस्किया न पा सका, इसलिए कि ये वो चेहरे जरूर है कि जिनकी पेशानी पर सजदों के निशान है मगर वो दिल नहीं है जिसमें मोहब्बत हो। एक सलावा, की हकीकत यह है कि बंदगान खुदा का एहतराम किया जाए, बंदगी का मकसद यह है कि जिसने बंदगी की राहें दिखलाई उसका एहतराम किया जाए, उसकी अजमत दिल में रहे, उसकी मोहब्बत दिल में रहे। जैसे जैसे जमाना गुजरता जा रहा है अंदाजा यह हो रहा है कि एहतराम में खत्मी मर्तबत में कमी होती जा रही है, और यह कमी मालूम नहीं इंसान को किस मंजिल तक पहुंचा दे। बात में बात निकल आती है, आप ये न समझें कि तस्किया नफ्स पर गुफ्तगू है, और यह तस्किया नफ्स पर गुफ्तगू इंसान को कहां तक खींच ला सकती है, मगर यह गुफ्तगू अगर आपके जहन में रहे और आप गौर करें तो खुद आपका दिल गवाही देगा कि मैं अपने सिलसिले कलाम से नहीं हटता हूं। मासूम फरमाते हैं मकाम मोहब्बत पर जियारत जामिया में इमाम दहम इमाम अली जनकी सलावातुल्लाही व सलामुहु अलैह कि हम ऐ आले मोहम्मद जब आप पर दुरूद भेजते हैं वो जहला सलावातना अलैकुम व मा कसना बही मिन विलायतकुम तीबन लकलकना व तज़कियतन लना। जब हम दुरूद भेजते हैं तो हमारी खिलकत में तहारत पैदा होती है और हमारे नफ्सों का तज़किया होता जाता है। आपने देखा कि दुरूद तस्किया नफ्स के लिए लाजिम है, दुरूद तीब विलादत का निशान है, तस्किया नफ्स की दलील है। अब इसी दुरूद से आप अंदाजा करें, किसी से गिला नहीं, किसी से शिकवा नहीं, बातें यूं तो बहुत सी हैं मगर कहने की बात इतनी कि अगर कोई रस्म का मारा अपने लबों को जुम्बिश भी न देना चाहे दुरूद की ख्वाहिश पर या दुरूद के मुतालबे पर, अगर सिर्फ कोई तमाशाई की सूरत बन जाए, अगर कोई तमाशाई की हैसियत अख्तियार कर ले
या किसी महफिल में किसी को पुकार के दुरूद पढ़ने की आदत ही न हो और पुकारने वाला और खिताब करने वाला मुसलसल दुरूद शरीफ की आवाजें लगाता रहे और कोई पढ़ने वाला न हो तो मैं कैसे समझूं कि यहाँ तस्किया नफ्स पर गुफ्तगू हो रही है और मैं कैसे जानूं कि तस्किया नफ्स की मुकाबले की बात नहीं है। ये मजलिसे हुसैन ने इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से तरबियत दी है कि बज़ाहिर सही यानी किसी की निगाह में यहां किसी के लिए तस्किया नफ्स का लफ्ज मुनासिब न मालूम हो सही, मगर ऐलान तो यही हो रहा है कि कुछ आवाजें कान में आ रही हैं और दुरूद की आवाज से बढ़कर और कौन सी दलील हो तस्किया नफ्स की कि हम बार बार रहमतुन लिल आलमीन के लिए रब्बुल आलमीन से रहमत को तलब करते रहें और ये कहते रहें। मासूम ने कहा कि हमारा ये दुरूद भेजना ये तज़किया नफ्स है, मगर दुरूद के अस्वात, दुरूद के अल्फाज, दुरूद में ज़ुफ़ो कुव्वत, दुरूद की कमजोरी वो शिद्दत, आवाज की पस्ती वो बुलंदी खुद मदारिज को कायम करती जाती है, खुद मदारिज को कायम करती जाती है और पहचानवाती जाती है। मुमकिन है कोई तमाशाई ये कहे क्या दीवाने जमा है या पुकार पुकार के दुरूद भेजते हैं, तो यही अर्थ कर रहा था दुनिया इतनी बदल गई, दुनिया इतनी बदल गई कि अब दुरूद को भी हैरत से सुनते हैं, अब दुरूद को भी हैरत से सुनते हैं। जिस किसी को आदत ही नहीं रहती है अब तशहुद से भी हटता जा रहा है दुरूद, अब आम तौर पर चाहा ये जाता है कि दुरूद पर जोर न दिया जाए, दुरूद पर जोर न दिया जाए। मैं किसी से क्या गिला करूं, मगर ऐसा मालूम होता है बरसों हो गए कि मैंने किसी अच्छी तकरीर को दुरूद पर नशर होते हुए भी नहीं सुना। ऐसा मालूम होता है कि शायद दुरूद पर पाबंदी लगा दी गई है कि हाँ कलमा पढ़ने वालों कलमा शौक से पढ़ो मगर जरा दुरूद से बचे रहो, हुक्म इलाही की तामील न हो न सही मगर दुरूद से बचे रहो, इसलिए कि यही वो मंजिल है जहां रुक नहीं सकते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद पर रुक नहीं सकते, वह कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। सबको मिला लीजिए, सबको शामिल कर लीजिए, जिस जिस कबीले को लाना चाहते हैं ला लीजिए, जिस किसी की अजमत पसंद है उसको दुरूद में शामिल कीजिए, मगर खुदा के लिए दुरूद तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, दुरूद तो पढ़ने की। इससे तस्किया नफ्स है, ये तहारत नफ्स है, ये छोटा सा नुस्खा। मैंने ये नहीं कहा कि वुजू करके मजलिस में आइए, मैंने ये नहीं कहा कि आदाब तहारत को पेश नजर रखिए, मुसलमान की हैसियत से मैं समझ रहा हूं कि सब के सब आदाब तहारत को पेश नजर रखते होंगे, मगर वो कौन सी चीज है जो मेजरेबल हो, वो कौन सी चीज है जिसको नापा जाए, जिसको तोला जाए कि इसका तस्किया नफ्स ये है। जब मजलिस में बैठे हुए हैं तो सबकी जबानें बंद हैं, सब खामोश हैं, सब लब बंद हैं, मैं कैसे पहचानूं कि इन सबका तस्किया नफ्स हो रहा है। तो होता यही है कि खुद आप पहचानवाते हैं,
और जब मैं जानना चाहता हूं तो उसके माने ये है कि आप समझ रहे हैं ना, मैं जानना चाहता हूं उसके माना ये है कि मैं पहचानवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि ये क्या बात है, ये क्या बात है। रोने पर एतराज सर आंखों पर, मातम पे एतराज कबूल, मगर क्या दुनिया दुरूद पे भी एतराज करेगी, दुरूद पे भी एतराज करेगी फकत इसलिए कि आला नहीं है? तो आला के साथ ही पढ़िए ना, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि दुरूद हर जगह हो, मेहराब में हो, मिंबर पर हो, मस्जिदों में हो, रास्तों में हो, मजलिसों में हो, मुसलमान जहां हो दुरूद पढ़ने की कोशिश करे। एक मामूली सी अपील है, एक छोटी सी ख्वाहिश है, जरा आवाज को बुलंद करके देखिए तो किसी से कह के दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़िए, तो पहले तो एक सख्ते की कैफियत तारी होगी कि ये ख्वाहिश क्या हो रही है। इसलिए जिसको आदत नहीं होती उसे आप कैसे पढ़वाएंगे दुरूद, जिसको आदत नहीं होती है। मैं कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ ऐसे मजामे में कि जहाँ वाकई हमारे साथी बोलने वाले फरियाद करते करते थक जाते हैं, खुदा के लिए दुरूद पढ़िए, रसूल के लिए दुरूद पढ़िए, मगर एक सन्नाटा सा तारी रहता है और आखिर में खुद खिताब करने वाला मुसलसल दुरूद पे दुरूद पढ़ते जाता है, मुसलसल खुद दुरूद पे दुरूद पढ़ते। गुफ्तगु इस मंजिल पर पहुंची और फिर मैं उसी फिक्र को पेश कर रहा हूं जिस पर दुरूद पढ़ रहे हैं। वो अक्ले अव्वल है, रूह है अव्वल है, सुबह अव्वल है, मजारे कुल है, अमरे कुन है, वजह किलकत मौजूदात है, इजाफे इशराकी है, इफाज़े कयूमी है, समाए आलम है, माए हयात है, जलवे कुन है, तजल्ली अव्वल है, तायुन मुतलक है, ताहा है, मुजम्मिल है, मुद्दसर है, अहमद है, मोहम्मद। मगर एक मर्तबा अगर इन अल्फाज की तशरीह हो जाए तो कितना वक्त लगे और क्या दुनिया आसानी से कबूल कर लेगी? आइम्मा का तस्करा करते हैं तो कहते हैं गुलू करते हैं, अब नबी के तस्करे में क्या कहती है दुनिया, अब इस तस्करे में क्या कहती है दुनिया के क्या है नबी? अभी पहचाना नहीं है। कलेमा पढ़ने वालों जान लो कि या खुदा है या मोहम्मद। एक अब्द है, एक माबूद, और उसके बाद जो जलवा है वो उसी अब्द के जरिए है, जो तजल्ली है उसी अब्द के जरिए है, जो इफादा है वो उसी अब्द के जरिए है, जो रहमत आ रही है उसी अब्द के जरिए है। अगर इस वास्ते को तस्लीम नहीं करते तो तस्किया नहीं है। मैंने वक्त लिया, जहमत दी, इख्तिताम तकरीर चंद जुमले, जहां इतनी सुस्ती के साथ, इतने ज़ौफ के साथ और इस कदर रुक रुक कर इंसान खत्मी मर्तबत की बारगाह में जाने की कोशिश करे तो वहां यह कैसे तवक्को की जा सकती है कि उनके अहले बैत का जिक्र भी जाजिब हो जाएगा उन दिलों के लिए, उन दिमागों के लिए जो उसको आसानी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मगर इसके बावजूद हर साल मुहर्रम आता है, हर साल ये तस्करा होता है, हर साल ये आवाज कानों तक जाती है और हर साल यह बतलाया जाता है, देखो पहली मुहर्रम है, दूसरी मुहर्रम है, तीसरी मुहर्रम है, इसी तरह से तारीखें गुजरती जाती हैं, यहां तक के रोजे शहादत आता है, दुनिया तमाशे की हैसियत से देखती है और फिर वक्त गुजर जाता है,
काम ये है कि इंसान अमरे हक में पीछे न हटे, ऐलाने हक में न रुके, समझाते हुए न थके और ये बतलाने की कोशिश करे कि देखो हकीकत हयात ये है और हकीकत हयात मुस्लिम ये है कि इस घराने को न छोड़े। ये खत्म रसूल का घराना है, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, करबला की जमीन पर फौजें जमा हो रही हैं। जब लश्कर आता है बच्चों के दिल दहल जाते हैं, माएं बच्चों को सीने से चिमटा लेती हैं और उनके खौफ को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सहमे हुए बच्चे बार बार हैरत से कभी अपने माँ के चेहरे को, कभी अपने बाप के चेहरे को देखते हैं कि ये कब तक ये फौजें आती रहेंगी। समझदार बच्चे कभी कभी ये पूछ लेते हैं, क्या ये हमारी मदद के लिए आए हैं, क्या ये हमारी इयानत के लिए आए हैं? और जब उनको जवाब मिलता है कि नहीं, ये सब खून के प्यासे जमा हो रहे हैं, तो वो एक ठंडी सांस खींच के या एक अश्क गम बहा के खामोश हो जाते हैं। शिमरे जिल जौशन आया, 4,000 का लश्कर है। हरमला बिन काहिल असदी आया, 4,000 का लश्कर है। सिनान इब्ने अनस आया, 4,000 का लश्कर है। जो आता है 4,000 के लश्कर को लिए आ रहा है, तीरंदाज आ रहे हैं, नैजे चलाने वाले आ रहे हैं, खंजर चलाने वाले आ रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, झोलियों में दामनों में पत्थर भर भर के ला रहे हैं। और मुकाबला अकेली जान से है, जहरा के लाल से मुकाबला है। सानिया जहरा ने कनीज से कहा, कनीज जाके भाई को तो बुला ला। हुसैन इब्ने अली खेमे में आए, का आका ये फौज पे फौज आ रही है और ये सब जहरा के लाल के खून के प्यासे आ रहे हैं। भाई क्या कोई हमारा दोस्त बाकी नहीं है? क्या कोई हमारा इतना साथी और रफीक बाकी नहीं है जो ऐसे वक्त में हमारी मदद करे? आपने फरमाया, हाँ ज़ैनब, मैंने इंतजाम तो किया है, मैंने इत्तला तो दी है। अगर तुम कहो तो मैं कूफे में किसी को खत लिख दूं, जानता हूं रास्ते बंद हैं। एक मर्तबा खत लिखा और उन खतूत में से एक खत हबीब इब्ने मुजाहिरे असदी के नाम लिखा, कासिद को दिया। कासिद खत लेके चला, कूफा पहुंचा। हबीब अपनी बीबी के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए थे, चाहते थे कि खाना तनावुल फरमाए। कासिद ने दखल बात किया, हबीब ने पूछा कौन है? कासिद ने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली का कासिद हूँ, मैं खत लाया हूँ। एक मर्तबा घबरा के चुप हो गए। बीबी ने कहा क्या बात है? कहा आका ने यकीनन बुलाया होगा, जमाना मखदूश है, घर छिन जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जमीनों को लूट लिया जा रहा है, ऐसे में फातिमा के लाल ने मदद के लिए तलब किया होगा, मैं जाके देखूं तो क्या है। बाहर आए, खत लिया, सर पर रखा, आंखों से लगाया, बोसा दिया, खत को चाक किया। खत की इबारत ये थी, मोहम्मद के नवासे हुसैन की तरफ से हबीब इब्न मुजाहिर असदी को सलाम पहुंचे। मेरे बचपन के रफीक, मेरे तिफली के साथी, तुमको मालूम होना चाहिए कि हुसैन करबला की जमीन पर पहुंच गया है। अगर मुमकिन हो सके तो अपनी जान को फातिमा की जान से अजीज न करो। वस्सलाम। हुसैन इब्ने अली इब्ने अभी तालिब खत को लिए हुए आंखों से आंसू बहाते हुए बीबी के करीब आए। बीबी ने पूछा क्या इरादा है, क्या बात है? कहा कुछ नहीं, फरजंदे रसूल ने बुलाया है और इरादा ये है कि पहले तुम्हारी फिक्र करूं, इसलिए कि जमाना मुनखलिब है, मालूम नहीं क्या हो। एक मर्तबा घबरा के कहा हबीब, अगर तुम रुक रहे हो तो तुम रुक जाओ, मैं जाऊंगी आका की मदद के लिए, इसलिए कि आका ने बुलाया है। अगर कोई तो जाए, कम से कम मातम के लिए जाऊंगी, नौहे के लिए जाऊंगी, फरियाद के लिए जाऊंगी। हबीब ने दुआए खैर दी और अपने नौकर से कहा, गुलाम से कहा, ले जा शहर से बाहर दूर, सवारी को तैयार रख। हबीब इब्न मुजाहिर पहुंचे, अपने आप को सवारी तक पहुंचाया,
देखा कि गुलाम मुसलसल ये कह रहा है कि मेरे आका के आने में अगर देर हो गई तो मैं चले जाऊंगा करबला, मालूम नहीं आका किस मसलहत से ना आए। हबीब इब्न मुजाहिर ने दुआएं दी, गुलाम को भी साथ लिया। रावी कहता है कि नवी मुहर्रम की सुबह थी, हुसैन इब्न अली असलह जंग तकसीम कर रहे थे कि एक मरतबा फरमाया, अब्बास देखो कूफे की समत से गर्द नुमाया है, शायद हबीब आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखा हबीब इब्न मुजाहिर घोड़े पर सवार आ रहे हैं। हुसैन इब्न अली तादीम के लिए खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ गए। अब्बास भी गए, अली अकबर भी गए, कासिम भी गए। हबीब इब्न मुजाहिर ने देखा कि मोहम्मद का नवासा इस्तकबाल के लिए आ रहा है, अपने आप को घोड़े से गिरा दिया और पुकार के कहा, फातिमा के जानी क्या वक्त आ गया कि आप गुलाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। आका के नजदीक दौड़ के हबीब आए, अपने सर को पाए अक्दस हुसैनी पर रख दिया। हुसैन ने सर को सीने से लगाया और कहा, हबीब अच्छे वक्त पर आए। हबीब तुमने हक अदा किया बचपन की दोस्ती का, हाथ में हाथ हबीब का लिए हुए खेमे की तरफ चले। कुछ दूर न गए थे कि एक मरतबा एक कनीज ने आवाज दी, हबीब मुबारक हो सानिया जहरा सलाम के। शुहदाए करबला में से है, इनका पूरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर असदी है। हबीब बचपन के साथी है, हबीब ने हक रिफाकत अदा किया, हबीब करबला में शहीद हो गए। हबीब जब घोड़े से गिरे तो हबीब का सर इमाम के जानू पर था, इमाम ने हबीब की पेशानी का बोसा लिया था और कहा था, हबीब मेरे नाना को मेरा हाल कह देना, मैं भी आ रहा हूँ। वाकई करबला खत्म हुआ और करबला से लश्कर चला कूफे की तरफ। जब शहदा के सर चले तो कातिलों ने हबीब के सर को भी काट लिया और हबीब के सर को नौ के नैजा पर चढ़ाकर कूफे के बाजारों में पहुंचाया गया। हबीब का एक 15 बरस का लड़का कूफे के बाजार में तमाशे के लिए आया था, जब उसकी नजर बाप के सर पर पड़ी तो एक मर्तबा आवाज दी, मेरे दोस्त कहाँ है? कुछ बच्चे जमा हो गए, बच्चों ने तलवारें खींच ली, एक मर्तबा उस आदमी पर हमला कर दिया जिसने नैजे पे हबीब के सर को बुलंद किया था, उसके सर को कलम किया और बाप के सर को बेटे ने लिया और ये कहते